इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेस्ट कोर्स ऑनलाइन ऑन ऑफलाइन। यस, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं ना सर्विस में प्रोडक्ट में, यस आराम से कर सकते हैं। आपका शिक्षण ग्रेजुएट है पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी कर सकता है, अंडर ग्रेजुएट है ट्वेल्थ है टेंथ है टेंथ पहले है तो भी कर सकता है। कम पढ़े लिखे सभी लोग विदेश व्यापार में आते हैं, लेकिन विदेश व्यापार स्वदेश व्यापार से आसान जरूर है। यस, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूं, आपको लगता होगा मैं उल्टा बोल रहा हूं। विदेश व्यापार स्वदेश व्यापार से आसान कैसा हो सकता है? यस, क्योंकि विदेश व्यापार में हर जगह पे सिस्टम है, और वो सिस्टम एक बार आप समझ लेते हैं प्रैक्टिकली प्रॉपरली तो फिर आपको विदेश व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। और इसके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा है ये हमारा आज का विषय है। अभी बेस्ट कोर्स किसको बोलते हैं? जहां पे आपको कम समय में 100% प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए, ए टू जेड पार्ट का। विदेश व्यापार में जितना पार्ट आता है, मार्केटिंग है फाइनेंस है स्टैटिस्टिक है शिपिंग लॉजिस्टिक है बेनिफिट्स है, ये सब सब और भी जो भी कुछ है सबका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कम समय में जहां पे मिलता है वो कोर्स हम बेस्ट कोर्स बोल सकते हैं। और वो आपको समझने ऐसी भाषा में मिलना चाहिए। आपको हिंदी कंफर्टेबल है तो हिंदी इंग्लिश भाषा में मिलता है, और अगर आपको इंग्लिश कंफर्टेबल है तो खाली इंग्लिश भाषा में मिलने की व्यवस्था चाहिए। और ऐसा एक कोर्स मैं बता रहा हूं, वो है एरोनिका ग्लोबल एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड मुंबई, जिसकी पैन इंडिया काम चलता है, दिल्ली में है कलकत्ता में है बेंगलोर में हर जगह पे काम है और लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं। ऐसा एरोनिका ग्लोबल एग्जिम प्राइवेट लिमिटेड का वेबसाइट है importexporteducation.com। ये साइट पे जाके उनका सर्कुलर देख लीजिए, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी। ऑफलाइन का मतलब होता है होटल में जाके या किसी कॉन्फ्रेंस रूम में या कॉन्फ्रेंस हॉल में वो प्रोग्राम लिया जाता है, जहाँ पे लंच ब्रेकफास्ट वगैरह सब सर्व प्रॉपर किया जाता है, इसको बोलते हैं ऑफलाइन, जहाँ पे ट्रेनर डायरेक्ट हुबहू मिलता है ये होता है। और ऑनलाइन बोले तो आप आपके घर पे बैठ के कर सकते हैं, फिर दुनिया के किसी भी पार्ट से भारत के किसी भी कोने से कर सकते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं। जूम पे प्लेटफॉर्म पे ये होता है ऑनलाइन घर पे बैठ के कर। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, दोनों के अपने अपने दोट है, उसमें हम जाएंगे नहीं, खाली इसमें कवर क्या होता है वो बताता हूँ आपको। मैंने क्या बताया आपको, कम समय में ए टू जेड नॉलेज देने वाला और भी प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाला कोर्स बेस्ट कोर्स। और ये ऐसा ही ये एक ही दिन का कोर्स है जो तीन सेशन में चलता है, तीन तीन घंटे के तीन सेशन है, टोटल 9 आवर्स होता है। सुबह 9 बजे चालू होता है, शाम को 6 बजे खत्म होता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का टाइमिंग एक ही है। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिशनर लॉयर हूँ, मंडे टू फ्राइडे मुझे सुप्रीम कोर्ट का कामकाज रहता है, और सैटरडे को ये प्रोग्राम मैं खुद लेता हूँ। मैं MBA फॉरेन टूडे हूँ, 2006 से काम करता हूँ, उसके साथ साथ LLB हूँ तो लॉ की प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसमें से समय निकाल के हम भारत के लिए एक्सेलेंट एक्सपोर्टर इंपोर्टर खड़ा करने का काम करते हैं। अभी दोस्तों मुझे ये बताना है कि इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सभी एंगल से कैसा होता है, इसके लिए मैं आपको इसको सेशन में लेके जाता हूँ। थोड़ा लंबा हो सकता है आज का वीडियो, एक आधा घंटा पौना घंटा, लेकिन अगर ये मैं जितना नॉलेज इसमें बता रहा हूं इतना नॉलेज अगर आपके पास है तो यू विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन फॉरेन ट्रेड। और कोई भी ट्रेड हो सक्सेस के लिए रहता है पावरफुल मार्केटिंग, पावरफुल मार्केटिंग कवर होना चाहिए। हाउ टू सर्च फॉरेन बायर, हाउ टू गेट 100% एडवांस फ्रॉम देम व्हेन यू आर न्यू। मैं नया हूं मुझे कौन एडवांस देगा, मैंने उधार ही दुनिया में माल भेजना चाहिए, ये मेंटेलिटी भारतीय लोगों की है। लेकिन इससे हटके दोस्तों, इससे एडवांस पेमेंट आप नए हैं तो भी कैसे ले सकते हैं, ये सब सब कुछ कवर होता है। चलो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अगर आपको पॉसिबल है तो ये वीडियो वापस एक बार देखिए, वो कैसा देखिए, हमारे वेबसाइट पे जाके importexporteducation.com पे जाके वो सर्कुलर डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, वो सामने रखिए, मैं जो अभी session 1 session 2 बता रहा हूँ, और फिर ये वीडियो वापस देखिए तो इसका एक मजा आपको और आएगा। दोस्तों session 1 में दोस्तों 4 प्रेजेंटेशन कवर होते हैं, व्हाई टू डू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक पहला प्रेजेंटेशन। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करना चाहिए,
कैसे करना चाहिए, कौन से तरीके से एक्सपोर्ट में आ सकते हैं आप। अच्छा धंधा बिजनेस करने के बाद भारत सरकार आपको 5 बार सम्मानित करती है, 1 star, 2 star, 3 star, 4 star, 5 star एक्सपोर्ट हाउस। ये तो सपना है आपका, ये कैसा करना क्या करना सब इसमें होता है। डीजीएफटी क्या है, डीजीएफटी की पूरी जानकारी दी जाती है, डीजीएफटी कैसा सपोर्ट देती है, फॉर्म कैसे रहते हैं, प्रोफाइल खुद का कैसे बनाते हैं आप, डीजीएफटी से लाइसेंस कैसा निकालना है, सब सब कुछ इसमें होता है। ईपीसी एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल, जो माता पिता होती है आपके प्रोडक्ट के, फोकस कंट्री कौन से है, क्या होते, सब सब इसमें होता है। बहुत अच्छा सपोर्ट है दोस्तों, ये विदेश व्यापार बहुत सिस्टमैटिक है, आसान है, हर जगह पे एक सिस्टम है, वो सिस्टम समझना चाहिए। एक जगह पे अगर वो सिस्टम पूरी समझ में आ जाती एक दिन में, खाली सैटरडे 9 घंटा देखो रिव्यू जाके देखो, लोग बहुत हैप्पी है क्योंकि 100% प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं। सही में बताओ, हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाते ही नहीं है, हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में तैयार करते हैं। हमारा मकसद टीचिंग नहीं है, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ प्रोफेशनल बाय एडवोकेटिंग सुप्रीम कोर्ट। मैं टीचर नहीं हूं इसलिए मैं आपको टीचिंग करना नहीं चाहता, मैं आपको बनाना चाहता हूं एक्सपोर्टर इम्पोर्ट, उसी एंगल से प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है दोस्तों, इसलिए लोग बहुत हैप्पी होते हैं। एक ही दिन का आप 30 दिन का कोर्स करेंगे, 50-50 हज़ार फी भरेंगे, 40-40 हज़ार फी भरेंगे, और पहले दिन क्या पढ़े हो तीसरे दिन भूल जाते हैं। कुछ कुछ लोग तो खाली वीडियो बताते रहते हैं, भाई ये आज एक वीडियो देखो, दो देखो, देखो देखो अट्रैक्टिव कुछ प्राइस देखे वीडियो बताते रहेंगे, हमको वीडियो कोई देखता नहीं, बाद में कुछ होता नहीं, पैसा वेस्ट होता है, ऐसा मत करें। हमारा ये कोर्स ऑनलाइन करेंगे तो खाली 7 हज़ार आज की कीमत है, ये आज 28 जुलाई है जिस दिन मैं इसको शूट कर रहा हूँ, 28 जुलाई 2021, ये मेरा आज का शूटिंग है। मैं अभी के ये महीने की प्राइस बता रहा हूँ, हो सकता है आगे इसका प्राइस बढ़े, जिस समय करेंगे उस समय उस सर्कुलर पे जो प्राइस होगा। ऑनलाइन खाली 7 हज़ार और ऑफलाइन 8 हज़ार, क्योंकि ऑफलाइन में होटल का खर्चा, खाने पीने का खर्चा ऐड होता है। बस 7 और 8 हज़ार में हम भारत के लिए एक्सलेंट एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बता रहा हूँ मैं। तो ईपीसी वगैरह कस्टम पे आपके प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या फेयर है, ट्रेड टेरिफ क्या है, आप आराम से देख सकते हैं, कैसा देखना है ये सिखाते हैं। जीएसटी, पेमा, फॉरेन करंट डॉलर हमारे देश में आता है, फॉरेन डॉलर देश के बाहर जाता है, इसका नियमन पेमा कैसे करती है और पेमा का क्या फॉर्मेलिटी आपको कंप्लीट करना पड़ता है और कितना आसान है, वो सभी चीजें यहाँ पे बताते हैं। इंटरनेशनल कॉमन टर्म्स, डिलीवरी टर्म्स, FOB, CIF, माल के डिलीवरी का खर्चा पूरा सामने वाला उठाता है तो उसको क्या बोलते हैं, आप आधे आधे उठाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, पूरा खर्चा आप उठा के भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये कब कौन सा चलता है, ये सब इको टर्म्स में होता है। ऑल एग्जिम रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, व्हाट इज EOU, व्हाट इज EPCG, व्हाट इज ECGC, ये सब के शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म में सब कुछ पहले प्रेजेंटेशन में आता है। एक एक प्रेजेंटेशन से ऐसा आपका इमोशन बढ़ता है, मूड बनता है, आपको लगता है या सही में हम प्रॉपरली नॉलेज ले रहे हैं, हमको बहुत आनंद आ रहा है। दूसरा प्रेजेंटेशन रहता है फाइंडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स, इसमें प्रोडक्ट वाइज कैसे निकालेंगे, फार्मा का कितना एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल का कितना होता है, क्या होता है, एक मिनट में निकाल सकते हैं, संयंत्र ही बना के हम आपको देते हैं स्टडी मटेरियल में, जिस दिन आपको प्रोग्राम करते हैं उस दिन आपको हम आपको स्टडी मटेरियल भेजते हैं। ये स्टडी मटेरियल आपका एग्जिम टूल होता है, एग्जिम टूल स्टडी मटेरियल जीवन भर काम आता है आपको, क्योंकि वो अंदर से अलग अलग साइट को लिंक करके रखा है, ये सब गूगल ड्राइव से आता है आपको, हमारा मेल गूगल ड्राइव से आता है, जब आप प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 48 वर्किंग आवर्स में आपको उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद वो डाउनलोड होता नहीं है, बस डाउनलोड करो आपके पास सेव रखो 2-4 जगह पे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस ये स्टडी मटेरियल हमसे डबल मिलता नहीं है, एक ही बार आपको मिलता है, लेकिन वो डाउनलोड करो 48 आवर्स में और फिर उसको सीडी बनाओ, पेन ड्राइव लगाओगा, जीवन भर एंजॉय करो 1 star to 5 star। 1 star का मतलब है 20 करोड़ का टर्नओवर ईयरली और 5 star का मतलब है 20,000 करोड़ के आगे का टर्नओवर, लेकिन यहाँ तक हमारा स्टडी मटेरियल परफेक्ट काम आता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल नहीं है, एग्जिम टूल है दोस्तों, और इसमें बहुत सारा यंत्र विंत्र इसे हमने बना के दिया है। कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, रीजन वाइज निकाल सकते हैं, टॉप कंट्रीज कौन से हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, टॉप कंट्री कौन से हैं इंपोर्ट्स के लिए, इसकी लिस्ट बताते हैं हम आपको, टॉप के 100 कंट्री, टॉप के 100 कंट्री इन इंपोर्ट, टॉप के 100 कंट्री इन एक्सपोर्ट, सब कैसे निकालना है भी बताते हैं और निकाले हुए भी बताते हैं, और टॉप के प्रोडक्ट कौन से एक्सपोर्ट में, आपको प्रोग्राम आते समय
प्रोग्राम को आते समय आपके दिमाग में रहता है, सोमानी सर को पूछेंगे यार टॉप का प्रोडक्ट एक्सपो में पहुंचा है सर, सर कौन से प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए, कहाँ पे मुनाफा ज्यादा मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, ये सब हम यहाँ पर बताते हैं कि टॉप के 100 प्रोडक्ट कौन से हैं एक्सपोर्ट के लिए, टॉप के 100 प्रोडक्ट इम्पोर्ट के कैसे हैं, क्या होता है। आपको लगता होगा सर एक दिन में कवर होता है, 100% कवर होता है, 2006 से हम ले रहे हैं दोस्तों, याद रखना ये चीजें। और सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते तो हम ये काम क्यों करते हैं, लेकिन जो अटेंड करता है उसको मालूम है। हाँ, इसके बाद हमने क्या किया है, एक प्रिकॉशन बोल के एक दिन का ये प्रोग्राम होने के बाद आगे 10 दिन का आपको थोड़ा प्रैक्टिस का शेड्यूल बना के देता है। 10 दिन खाली घर पे 2-2 घंटा हम जो बोलता है ये वेबसाइट पे जाओ, ये देखो, ऐसा जो हमने आपको बताया है, बस वो घर पे प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो आदमी हमारा एक दिन का कोर्स करता है और आगे 10 दिन का 2-2 घंटे का प्रैक्टिस करता है, वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में मास्टर नहीं बनता। इतना तो आप आराम से कर सकते हैं और कम पैसे में, कम समय में आपको ये नॉलेज मिल रहा है। तीसरा प्रेजेंटेशन जो होता है वो कस्टम हाउस एजेंट कैसा होता है, कस्टम हाउस एजेंट अच्छा ढूंढना कैसे, फ्रॉड से कैसा बचना, शिपिंग लॉजिस्टिक्स क्या होता है, भारत के सभी पोर्ट, भारत के सभी ICDs, ये हम आपको बताते हैं। इसका स्टडी कैसा करना, क्या करना, खर्चा कितना आता है शिपिंग के लिए, CHA कमीशन कितना लेता है, बाकी खर्चे कितने आते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे कवर होता है बहुत प्रैक्टिकल एंगल से। प्रैक्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, हर जगह पे आपको प्रैक्टिकली उदाहरण देके समझाया जाता है। तो इसलिए आपको वही नो थ्योरी नो फिलोसॉफी फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट ट्रेनिंग में, 9 घंटे का ट्रेनिंग में आपको बीच में कंफर्टेबल ब्रेक मिलता है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कंफर्टेबल ब्रेक मिलता है। और ऑफलाइन में क्या होता है, ब्रेकफास्ट आता है बीच में, फिर ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक है, फिर लंच के लिए ब्रेक है, हम भी आपके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन दोपहर को हमको रेस्ट के लिए ना हमको टाइम मिलता है ना आपको टाइम मिलता है, ऑफलाइन में हम दोनों भी। लेकिन ऑफलाइन में एक फायदा होता है कि ऑफलाइन में आप जूम से प्रोग्राम करते हैं, तो फिर हम दोपहर का लंच का टाइमिंग आपको जो देते हैं वो लंच में आप 10-15 मिनट में लंच करके एक आधे घंटे का रेस्ट लेके आप आपके बेडरूम में रेस्ट ले सकते हैं, मैं मेरे बेडरूम में रेस्ट ले सकता हूँ, वापस आके प्रोग्राम करते हैं। ये ऑफलाइन का बहुत, ये ऑनलाइन का बहुत अच्छा फायदा है जो ऑफलाइन में नहीं है। और ऑफलाइन में हम एक दूसरे को रूबरू मिलते, ये फायदा है। और ऑफलाइन में आपको ट्रैवल करके दिल्ली में या पुणे में आना पड़ता है, आने जाने का खर्चा, कोई हैदराबाद से आता है, कोई चेन्नई से आता है, कोई कोलकाता से आता है, फ्लाइट से आता है, आने जाने का खर्चा, या ट्रेन से आता है आने जाने का खर्चा, ये सब ऑफलाइन में करना पड़ता है। और वही प्रोग्राम आपको ऑनलाइन मिलता है, विच इज सुटेबल, यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम, नो इश्यू। अगला हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं आपको दोस्तों, दुनिया के भी पोर्ट ICD कौन से टॉप के हैं, आपको चाइना का पोर्ट देखना है, आपको अमेरिका का पोर्ट देखना है, ये भी सुविधा हमारे स्टडी बटल में, वो हम आपको सबको बता रहे हैं। फिर चौथा प्रेजेंटेशन ग्लोबल मार्केटिंग 1 होता है, मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी उद्योग का दोस्तों, इसलिए हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल 4 प्रेजेंटेशन मार्केटिंग के, सेशन 1 में 1 है, सेशन 2 में 2 है और सेशन 3 में 1 है, ऐसे टोटल 4 प्रेजेंट। जब आप ये सर्कुलर सामने देख के ये वीडियो वापस एक बार देखेंगे ना तो और मजा आएगा। लेकिन जब डिसीजन हो जाता है कि मुझे विदेश व्यापार काम करना है तो फटाक से कोर्स ज्वाइन करना है, एक दिन का ही करना है, 10 दिन आगे प्रैक्टिस करना है, अपना धंधा भी करना है, 2-2 घंटे की तो प्रैक्टिस है, मॉर्निंग में इवनिंग में टाइम निकाल के वो प्रैक्टिस कर सकता है। खाली एक दिन पूरा आपको सैटरडे का निकालना है हमारे ट्रेनिंग के लिए जो हम आपको देते हैं। और वीडियो कंपलसरी ऑफलाइन ऑनलाइन में चालू चाहिए आपके, हम ऑनलाइन में वीडियो ऑफ नहीं करने देते हैं, क्योंकि आप सोए हैं बैठे हैं, क्या है हमको दिखना चाहिए, हम हैं और वो सोने जैसे ये प्रोग्राम में नहीं है। आपको दोपहर को रोज सोने की आदत है तो भी इस प्रोग्राम को नींद नहीं आती है, इतना परफेक्ट एक प्रोग्राम है। अभी का लेक्चर बोर नहीं होता है ना आपको सुनने के लिए, तो वो प्रोग्राम भी बोर होता नहीं है। अगर बोर होता तो हम ही नहीं करते वो प्रोग्राम, हम इतने साल से कर रहे हैं, हम पायोनियर है इसमें, पायोनियर 2006 से। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वीडियोस देखिए अलग अलग, हमारा 36 पॉइंट का वीडियो देखिए, हमारा 51 पॉइंट का लेटेस्ट वीडियो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और आपको अलग अलग तरीके से उसका ग्लैमर मिलेगा। अलग अलग वीडियो है, वुमेन्स के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए है, सब वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। ऐसा ग्लोबल मार्केटिंग 1 में क्या होता है, सेशन 1 का मैं 4th प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। इसमें ई कैटलॉग कैसे बनाते हैं, एक्सलेंट ई कैटलॉग किसको बोलते हैं, आपका ई कैटलॉग देखने के बाद सामने वाले ने ऑर्डर ही लेना चाहिए, ऐसा ई कैटलॉग कैसे बनाते हैं, एक गुप्त ज्ञान पूरा यहाँ पे मिलता है।
सैंपल कैसे बेचते हैं, फ्री सैंपल, पेड सैंपल, ई सैंपल, मिनिमम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकता है, कुरियर से पोस्ट से कौन सा माल जाता है, कौन से माल के लिए शीप CHA ये लगता है, सब यहाँ पे डिस्कस होता है। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से प्रमोट कैसे करते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस में क्या फर्क है, ये बहुत अच्छी तरह से ये मार्केटिंग बन रहा होगा। ये होने के बाद सेशन टू होता है। सेशन टू में चार प्रेजेंटेशन है, टॉप के 100 प्रोडक्ट, टॉप के 100 कंट्रीज, टॉप के 100 इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब की लिस्ट बताई जाती है। MEIS लिस्ट, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, ACIS, ये लिस्ट है। अभी इसको कुछ दिन के लिए कर दिया है, लेकिन दूसरे बेनिफिट आया वो भी बताते हैं, कुछ दिन के बाद वापस चालू हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्च है, पैकेजिंग है, ट्रेड ब्लॉक्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को मालूम नहीं है कि भारत का चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, भारत का पाकिस्तान का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड का मतलब फुकट व्यापार नहीं, फ्री का मतलब यहाँ पे डोंट टेक एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री का मतलब यहाँ पे ओपन लीजिए, मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार करा रहा है, इसको हम बोल सकते हैं हमारे मातृभाषा में मुक्त व्यापार। अगर दो देशों में मुक्त व्यापार करार होते हैं तो कुछ बेनिफिट एक्सपोर्ट्स के लिए, कुछ बेनिफिट इंपोर्ट्स के लिए लेते हैं। ये सभी प्रिंटेड एग्रीमेंट हम आपको बताते हैं, एक्सेस देते हैं। स्टडी मटेरियल बहुत ब्यूटीफुल है, ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये आपका एग्जिम टूल है जो जीवन भर काम आता है। फिर ग्लोबल मार्केटिंग टू होता है, सेकंड प्रेजेंटेशन। इसमें आपका प्रोडक्ट का प्राइस कैसा निकालने का, कोटेशन कैसा देने का, एग्जैक्टली परचेस कहां से करने का, बेचना कहां पे, कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट कैसा लेना, ये सीक्रेट हम यहाँ पे बताते हैं। कुछ लोग कंटिन्यू 100% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट कमाते हैं, उसके लिए वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ऐसे झापड़ लगा के, ऐसे बिजनेस है। कुछ लोग ऐसे झापड़ लगा के धंधा करते हैं, मुझे दुबई के साथ ही धंधा करना, लेकिन कब दुबई के साथ करना है, कब कभी दूसरे देश के साथ करना है, फोकस कंट्री निकाल के 30-40 कंट्री के साथ बिजनेस कैसा करना, ऐसा ऐसा 236 देश दुनिया के सभी देशों में मारा मारा कैसा जाएगा, ये सब प्लान करके हम देते हैं। या यस, हमारे प्रोग्राम का नाम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट विथ ग्लोबल मार्केटिंग ऐसा है, इसलिए हम परफेक्ट मैनेजमेंट करके देते हैं पूरे प्रोग्राम। मार्केटिंग के लिए कितना समय देना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना समय देना है, ये सब प्लान करके देता है। इसलिए बहुत अच्छा तरीके से आपको प्लानिंग के साथ ये सब मिलता है। और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्ट के क्या भाव चल रहे हैं, ये कैसा निकालना वगैरह, ये मार्केटिंग टू में होता है। फिर मार्केटिंग थ्री में दोस्तों अलग अलग देशों के स्टडी कैसे करेंगे आप, अमेरिका का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक कैसे देखेंगे, चाइना का कैसे देखेंगे, उनके एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग पार्टनर, उनके सीजन, इसका अभ्यास कैसे करेंगे, 236 देश अभ्यास करने का एक सिस्टम हम देते हैं। इसी स्टडी मटेरियल से आप दुनिया के किसी भी देश के सिस्टम पे जा सकते हैं, ऐसी हमने ताकत इसमें दी है दोस्तों। और खुद का अपग्रेडेशन आप कैसे करेंगे, महीने में अगर आप एक दिन दे देते हैं, 3 घंटा दे देते हैं, 10 वेबसाइट रहते हैं जो हम इसमें देते हैं, बस वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो खुद का अपग्रेडेशन अपने आप ही होता है। और अपग्रेडेशन रेगुलर लगता है फॉर एंटेड, क्योंकि चीज़ें नवी नई बदलती रहती है, नया कोई पैन आता है, नया कोई खुलता है, नया कोई पोर्ट खुलता है, नया कोई ICD आता है, नई कोई शिपिंग कंपनी आती है, नए कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, इसलिए वी शुड बी अपग्रेडेड एवरी ईयर, इसलिए उसका भी अपग्रेडेशन का एक सिस्टम रहता है। और फिर चौथा प्रेजेंटेशन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक सेशन टू का बता रहा हूँ मैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक्सपोर्ट की एग्जैक्ट प्रोसीजर मालूम चाहिए, जो भी प्रॉब्लम लफड़े होते हैं, कस्टम के केसेस बनते हैं, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, इसलिए होते हैं। एक्सपोर्ट का परफेक्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट का परफेक्ट प्रोसीजर, इसमें पूरा इसके सीक्रेट नॉलेज के साथ बताया जाता है। मेंटेन कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिट के समय डॉक्यूमेंट की कॉपी जोड़नी पड़ती है, तो ये मेंटेन का कैसे करना है, इसका मैनेजमेंट का स्टाइल, और पैसा डूबना नहीं चाहिए विदेश में, इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए गुप्त ज्ञान, इंपोर्ट के लिए गुप्त ज्ञान बहुत अच्छा कवर होता है। हम नोट्स लिख के भी देते हैं, स्टडी मटेरियल तो परफेक्ट रहता ही रहता है, जो सामने दिखता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामने नहीं दिखता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक्शन प्रोसेस है, वो हम आपको लिख के देते हैं।
मैनेजमेंट के लिए कितना समय देना, मार्केटिंग के लिए कितना समय देना, अपना ध्येय उद्देश्य आपके सामने कैसा लगाना, ये सब छोटे 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 पॉइंट हम लिख के देते हैं। ज़्यादा लिखा नहीं रहता लेकिन थोड़ा रहता है, लेकिन एक्शन पॉइंट रहते हैं, क्योंकि हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाना नहीं चाहते हैं, हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में तैयार करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एक्सलेंट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर फॉर आवर कंट्री। आज ही ये वीडियो शूट होने के बाद मैं दूसरा वीडियो शूट करने वाला हूँ, वो क्या है मालूम है? इंडियाज पोजिशन इन एक्सपोर्ट बिजनेस, इंडिया में वर्ल्ड में इंडिया का पोजिशन एक्सपोर्ट में कितना है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप जरूर देखिए। खाली शायद वो यूट्यूब पे आते समय या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते समय थोड़ा देर लगेगा, हमारे वो एसईओ करने वाले वो लोग थोड़ा सा प्लानिंग से डालते हैं उसको, एक दो दिन के बीच में क्या आप रखेंगे ऐसे डालेंगे, लेकिन जरूर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर प्रोसीजर, इंपोर्ट का प्रोसीजर, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, इसमें पूरा एकदम कंपनी एस्टैब्लिशमेंट से लेके या फर्म एस्टैब्लिश करने से बैंक अकाउंट, आईई कोड, आरसीएमसी, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, ये वो सब करते करते लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तक पूरा पूरा प्रोसीजर 100% मिलता है। आपको जीवन में वन स्टार टू फाइव स्टार जाना है और ये जाते समय डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, यही फोकस ये प्रोग्राम में हमारा रहता है दोस्तों। सेशन थ्री में क्या होता है? सेशन थ्री में पहला प्रेजेंटेशन है ग्लोबल मार्केटिंग फोर। मैंने पता है मार्केटिंग के चार प्रेजेंटेशन रहते हैं, तो सेशन वन में एक, सेशन टू में दो और सेशन थ्री में एक ग्लोबल मार्केटिंग फोर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन है। मार्केटिंग दो टाइप से करते हैं, एक एंड यूजर मार्केटिंग, एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग। फिर मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढेंगे, टर्नओवर कैसा बढ़ेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए जो 5 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस के हैं, तो उनके रिपीट ऑर्डर भी फटाफट आता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 500 आउटलेट को माल बेचता है और वो हर एक आउटलेट 1000 लोगों तक जाता है, तो आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 ऐसा पकड़ो, तो कम से कम आप 500,000 लोगों तक जा पहुंचते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ऐसे मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के मार्ग कौन से हैं? इंटरनेट एक मार्ग है, बिजनेस टू बिजनेस साइट एक मार्ग है, लेकिन वहां पे चीटर नहीं मिलता है, वहां पे मैच्योर लोग मिलते ही नहीं है। जिसको धंधा नहीं आता वो बिजनेस टू बिजनेस साइट पे रहता है, जिसको मालूम है धंधा कैसे करता है उनको धंधे के मार्ग भी मालूम है और हम यहाँ पे पूरा बताते हैं। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस साइट से चीटर से बचना कैसे, अच्छे का जोड़ना कैसे, ये भी सिखाता है। और उसके बाद नंबर 2 से नंबर 7 तक टोटल 7 मार्ग सिखाते हैं हम, एक्सलेंट मार्ग। नंबर 2 से नंबर 7 तक चीटर नहीं मिलता, वो मार्ग भी सिखाता है। फिर स्टैटिस्टिक कैसे मेंटेन करना, अपनी प्रोफाइल कैसे बेचना, उनकी प्रोफाइल मंगाना कैसे, उनको ए बी सी में क्लासिफिकेशन कैसा करना, ए बी को फॉलोअप कैसा करना, इनके साथ रिलेशन कैसा बना, इनसे एडवांस पैसा कैसा मिलता है। आप नए हैं तो भी लोग एडवांस कब देंगे, कैसा देंगे? आपको लगता है मेरा लोएस्ट कोटेशन जाएगा मुझे ऑर्डर आएगा, मेरा हाइएस्ट कोटेशन जाएगा मेरे ऑर्डर आएगा? नो, आपका ना लोएस्ट कोटेशन से ऑर्डर मिलता है ना हायर कोटेशन से ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर आपको तभी मिलता है जब लोगों के दिमाग में आता है कि भारत के आप एक्सलेंट सप्लायर हो। फिर भारत के एक्सलेंट सप्लायर हो, ये लोगों के दिमाग में डालना कैसे है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, पूरा बहुत अच्छा चलता है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन होने के बाद दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि हर चीज का मैनेजमेंट हम करके देते हैं। यहाँ पे 3 घंटा रोज का मार्केटिंग के लिए कैसा देना, आधा आधा घंटा कौन से टाइप से देना, कैसा काम करना, बोलना कैसा, पावरफुल बात कैसा करना, पूरा ट्रेनिंग होने के बाद आपका दिमाग बहुत शांत होता है, क्योंकि आपको सक्सेस का रास्ता मिलता है। अभी वो रास्ते पे खाली चलना है, इतना ही बाकी है दोस्तों। ये हो गया तीसरे सेशन का पहला प्रेजेंटेशन। तीसरे सेशन में सेकंड प्रेजेंटेशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस में प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ये सब हम तो बताते ही बताएं, बाकी सब फाइनेंसेस के टाइप हैं। और फाइनेंस बैंक से कब मांगना, उसके पहले बैंक से कर्जा मांगने के पहले 1-2 स्टेजेस रहते हैं, वो कौन से रहता है वो सब डिस्कस करके। जीरो से भी लोग खड़े होते हैं, तो जीरो से भी, जीरो कैपिटल से भी आप कैसे खड़े हो सकते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों आपको। उसके बाद आपका दूसरा प्रेजेंटेशन रहता है फाइंडिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स। इसमें प्रोडक्ट वाइज कैसे निकालेंगे, फार्मा का कितना एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल का कितना होता है, क्या होता है, एक मिनट में निकाल सकते हैं, संयंत्र ही बना के हम आपको देते हैं ये स्टडी मटेरियल में। जिस दिन आपको प्रोग्राम करते हैं उस दिन हम आपको स्टडी मटेरियल भेजते हैं। ये स्टडी मटेरियल आपका एग्जाम टूल होता है, एग्जाम टूल स्टडी मटेरियल जीवन भर काम आता है आपको, क्योंकि वो अंदर से अलग अलग साइट को लिंक करके रखा है।
ये सब गूगल ड्राइव से आता है, आपको हमारा मेल गूगल ड्राइव से आता है, जब आप प्रोग्राम अटेंड करने के बाद 48 वर्किंग आवर्स में आपको उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद वो डाउनलोड होता नहीं है, बस डाउनलोड करो, आपके पास सेव रखो दो चार जगह पे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस ये स्टडी मटेरियल हमसे डबल मिलता नहीं है, एक ही बार आपको मिलता है, लेकिन वो डाउनलोड करो 48 आवर्स में और फिर उसको सीडी बनाओ, पेन ड्राइव लगाओगा, जीवन भर एंजॉय करो, 1 star to 5 star, 1 star का मतलब है 20 करोड़ का टर्नओवर ईयरली और 5 star का मतलब है 20,000 करोड़ के आगे का टर्नओवर, लेकिन यहाँ तक हमारा स्टडी मटेरियल परफेक्ट काम आता है, क्योंकि स्टडी मटेरियल नहीं है, एग्जिम टूल है दोस्तों, और इसमें बहुत सारा यंत्र विंत्र हमने बना के दिया है, कंट्री वाइज स्टैटिस्टिक्स निकाल सकते हैं, रीजन वाइज निकाल सकते हैं, टॉप कंट्रीज कौन से हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, टॉप कंट्री कौन से हैं इंपोर्ट्स के लिए, इसकी लिस्ट बताते हैं हम आपको, टॉप के 100 कंट्री, टॉप के 100 कंट्री इन इंपोर्ट, टॉप के 100 कंट्री इन एक्सपोर्ट, सब पैसे निकालना ये भी बताते हैं और निकाले हुए भी बताते हैं, और टॉप के प्रोडक्ट कौन से एक्सपोर्ट में, आपको प्रोग्राम आते समय, प्रोग्राम को आते समय आपके दिमाग में रहता है, सोमानी सर को पूछेंगे यार टॉप का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में कौन सा है, सर कौन से प्रोडक्ट में हमें जाना चाहिए, कहाँ पे मुनाफा ज्यादा मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, ये सब हम यहाँ पर बताते हैं कि टॉप के 100 प्रोडक्ट कौन से हैं एक्सपोर्ट के लिए, टॉप के 100 प्रोडक्ट इंपोर्ट के कैसे हैं, क्या होता है। आपको लगता होगा सर एक दिन में कवर होता है, 100% कवर होता है, 2006 से हम ले रहे हैं दोस्तों, याद रखना ये चीजें, और सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलते तो हम ये काम क्यों करते हैं, लेकिन जो अटेंड करता है उसको मालूम है। हाँ, इसके बाद हमने क्या किया है, एक प्रिकॉशन बोल के, एक दिन का ये प्रोग्राम होने के बाद आगे 10 दिन का आपको थोड़ा प्रैक्टिस का शेड्यूल बना के देता है, 10 दिन खाली घर पे 2-2 घंटा हम जो बोलता है ये वेबसाइट पे जाओ, ये देखो, ऐसा जो हमने आपको बताया है, बस वो घर पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो आदमी हमारा एक दिन का कोर्स करता है और आगे 10 दिन का 2-2 घंटे का प्रैक्टिस करता है, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मास्टरी बनता है, इतना तो आप आराम से कर सकते हैं और कम पैसे में, कम समय में आपको ये नॉलेज मिल रहा है। तीसरा प्रेजेंटेशन जो होता है वो कस्टम हाउस एजेंट कैसा होता है, कस्टम हाउस एजेंट अच्छा ढूंढना कैसे, फ्रॉड से कैसा बचना, शिपिंग लॉजिस्टिक्स क्या होता है, भारत के सभी पोर्ट, भारत के सभी ICDs, ये हम आपको बताते हैं, इसका स्टडी कैसा करना, क्या करना, खर्चा कितना आता है शिपिंग के लिए, CHA कमीशन कितना लेता है, बाकी खर्चे कितने आते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे कवर होता है बहुत प्रैक्टिकल एंगल से। प्रैक्टिकल एंगल का मतलब क्या होता है, हर जगह पे आपको प्रैक्टिकली उदाहरण दे के समझाया जाता है, तो इसलिए आपको वह नो थ्योरी नो फिलोसॉफी फ्रॉम फर्स्ट मिनट टू लास्ट मिनट ट्रेनिंग में, 9 घंटे का ट्रेनिंग में आपको बीच में कंफर्टेबल ब्रेक मिलता है, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में कंफर्टेबल ब्रेक मिलता है, और ऑफलाइन में क्या होता है, ब्रेकफास्ट आता है बीच में, फिर ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक है, फिर लंच के लिए ब्रेक है, हम भी आपके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, yeah. लेकिन दोपहर को हमको रेस्ट के लिए ना हमको टाइम मिलता है ना आपको टाइम मिलता है, ऑफलाइन में हम दोनों भी, लेकिन ऑफलाइन में एक फायदा होता है कि ऑफलाइन में आप जूम से प्रोग्राम करते हैं, तो फिर हम दोपहर का लंच का टाइमिंग आपको जो देते हैं वो लंच में आप 10-15 मिनट में लंच करके एक आधे घंटे का रेस्ट लेके आप आपके बेडरूम में रेस्ट ले सकते हैं, मैं मेरे बेडरूम में रेस्ट ले सकता हूँ, वापस आके प्रोग्राम करते हैं। ये ऑफलाइन का बहुत, ये ऑनलाइन का बहुत अच्छा फायदा है जो ऑफलाइन में नहीं है, और ऑफलाइन में हम एक दूसरे को रूबरू मिलते, ये फायदा है, और ऑफलाइन में आपको ट्रैवल करके दिल्ली में या पुणे में आना पड़ता है, आने जाने का खर्चा, कोई हैदराबाद से आता है, कोई चेन्नई से आता है, कोई कोलकाता से आता है, फ्लाइट से आता है, आने जाने का खर्चा, या ट्रेन से आता है, आने जाने का खर्चा, ये सब ऑफलाइन में करना पड़ता है, और वही प्रोग्राम आपको ऑनलाइन मिलता है, विच इज सुटेबल, यू कैन ज्वाइन दैट प्रोग्राम, नो इश्यू। अगला हम प्रेजेंटेशन बता रहे हैं आपको दोस्तों, दुनिया के भी पोर्ट ICD कौन से टॉप के हैं, आपको चाइना का पोर्ट देखना है, आपको अमेरिका का पोर्ट देखना है, ये भी सुविधा हमारे स्टडी मटेरियल में, वो हम आपको सबको बता रहे हैं। फिर चौथा प्रेजेंटेशन ग्लोबल मार्केटिंग 1 होता है, मार्केटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी उद्योग का दोस्तों, इसलिए हमारे प्रेजेंटेशन में टोटल 4 प्रेजेंटेशन मार्केटिंग के, सेशन 1 में 1 है, सेशन 2 में 2 है, और सेशन 3 में 1 है, ऐसे टोटल 4 प्रेजेंटेशन। जब आप ये सर्कुलर सामने देख के ये वीडियो वापस एक बार देखेंगे ना तो और मजा आएगा, लेकिन जब डिसीजन हो जाता है कि मुझे विदेश व्यापार काम करना है तो फटाक से कोर्स ज्वाइन करना है, एक दिन का ही करना है, 10 दिन आगे प्रैक्टिस करना है, अपना धंधा भी करना है, 2-2 घंटे की तो प्रैक्टिस है, मॉर्निंग में इवनिंग में टाइम निकाल के वो प्रैक्टिस कर सकता है, खाली एक दिन पूरा आपको सैटरडे का निकालना है हमारे ट्रेनिंग में जो हम आपको देते हैं, और वीडियो कंपलसरी ऑफलाइन ऑनलाइन में चालू चाहिए आपके, हम ऑनलाइन में वीडियो ऑफ नहीं करने देते हैं,
क्योंकि आप सोए हैं बैठे हैं, क्या है हमको दिखना चाहिए, हम क्या, और वो सोने जैसे ये प्रोग्राम में नहीं है। आपको दोपहर को रोज सोने की आदत है तो भी इस प्रोग्राम को नींद नहीं आती है, इतना परफेक्ट एक प्रोग्राम है। अभी का लेक्चर बोर नहीं होता है ना आपको सुनने के लिए, तो वो प्रोग्राम भी बोर होता नहीं है। अगर बोर होता तो हम ही नहीं करते वो प्रोग्राम, हम इतने साल से कर रहे हैं, हम पायोनियर है इसमें, पायोनियर है 2006 से। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए, हमारे वीडियोस देखिए अलग अलग, हमारा 36 पॉइंट का वीडियो देखिए, हमारा 51 पॉइंट का लेटेस्ट वीडियो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, और आपको अलग अलग तरीके से उसका ग्लैमर मिलेगा। अलग अलग वीडियो है, वुमेन्स के लिए है, इंजीनियर्स के लिए है, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स के लिए है, सब वीडियो है, वो भी देख सकते हैं। ऐसा ग्लोबल मार्केटिंग वन में क्या होता है, सेशन वन का मैं चौथा प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। इसमें ई कैटलॉग कैसे बनाते हैं, एक्सलेंट ई कैटलॉग किसको बोलते हैं, आपका ई कैटलॉग देखने के बाद सामने वाले ने ऑर्डर ही लेना चाहिए, ऐसा ई कैटलॉग कैसे बनाते हैं, ये गुप्त ज्ञान पूरा यहाँ पे मिलता है। सैंपल कैसे भेजते हैं, फ्री सैंपल, पेड सैंपल, ई सैंपल, मिनिमम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, कुरियर से पोस्ट से कौन सा माल जाता है, कौन से माल के लिए शीप CHA ये लगता है, ये सब यहाँ पे डिस्कस होता है। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मार्केटिंग से प्रमोट कैसे करते हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस और मॉडर्न बिजनेस में क्या फर्क है, ये बहुत अच्छी तरह से ये मार्केटिंग बन रहा होता है। ये होने के बाद सेशन टू होता है। सेशन टू में चार प्रेजेंटेशन है, टॉप के 100 प्रोडक्ट, टॉप के 100 कंट्रीज, टॉप के 100 इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ये सबकी लिस्ट बताई जाती है। MEIS लिस्ट, मर्केंटाइल एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, ACIS, ये लिस्ट है। अभी इसको कुछ दिन के लिए कर दिया है, लेकिन दूसरे बेनिफिट आया वो भी बताते हैं, कुछ दिन के बाद ये वापस चालू हो जाएगा। प्रोडक्ट सर्च है, पैकेजिंग है, ट्रेड ब्लॉक्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काफी एक्सपोर्टर इंपोर्टर को मालूम नहीं है कि भारत का चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, भारत का पाकिस्तान का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड का मतलब फुकट व्यापार नहीं, फ्री का मतलब यहाँ पे डोंट टेक एट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री का मतलब यहाँ पे ओपन लीजिए, मुक्त व्यापार करार इसको हम बोल सकते हैं हमारे मातृभाषा में, मुक्त व्यापार। अगर दो देशों में मुक्त व्यापार करार होते तो कुछ बेनिफिट एक्सपोर्ट्स के लिए, कुछ बेनिफिट इंपोर्ट्स के लिए लेते हैं। ये सभी प्रिंटेड एग्रीमेंट हम आपको बताते हैं, एक्सेस देते हैं। स्टडी मटेरियल बहुत ब्यूटीफुल है, ये स्टडी मटेरियल नहीं है, ये आपका एग्जिम टूल है जो जीवन भर काम आ जाएगा। फिर ग्लोबल मार्केटिंग टू होता है सेकंड प्रेजेंटेशन, इसमें आपका प्रोडक्ट का प्राइस कैसा निकालने का, कोटेशन कैसा देने का, एग्जैक्टली परचेस कहाँ से करने का, बेचना कहाँ पे, कंटिन्यू अच्छा प्रॉफिट कैसा लेना, ये सीक्रेट हम यहाँ पे बताते हैं। कुछ लोग कंटिन्यू 100% प्रॉफिट 200% प्रॉफिट कमाते हैं, उसके लिए वो क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ऐसे झापड़ लगा के, ऐसे बिजनेस है, कुछ लोग ऐसे झापड़ लगा के धंधा करते हैं, मुझे दुबई के साथ ही धंधा करना, लेकिन कब दुबई के साथ करना है, कब कभी दूसरे देश के साथ करना है, फोकस कंट्री निकाल के 30-40 कंट्री के साथ बिजनेस कैसा करना, ऐसा ऐसा 236 देश दुनिया के सभी देशों में माल हमारा कैसा जाएगा, ये सब प्लान करके हम देते हैं। या यस, हमारे प्रोग्राम का नाम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैनेजमेंट विथ ग्लोबल मार्केटिंग ऐसा है, इसलिए हम परफेक्ट मैनेजमेंट करके देते हैं पूरे प्रोग्राम। मार्केटिंग के लिए कितना समय देना है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना समय देना है, ये सब प्लान करके देता है, इसलिए बहुत अच्छा तरीके से आपको प्लानिंग के साथ ये सब मिलता है। और फिर दुनिया के अलग अलग देशों में प्रोडक्ट के क्या भाव चल रहे हैं, ये कैसा निकालना वगैरह, ये मार्केटिंग टू में होता है। फिर मार्केटिंग थ्री में दोस्तों अलग अलग देशों के स्टडी कैसे करेंगे आप, अमेरिका का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टैटिस्टिक कैसे देखेंगे, चाइना का कैसे देखेंगे, उनके एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग पार्टनर, उनके सीजन, इसका अभ्यास कैसे करेंगे, 236 देश अभ्यास करने का एक सिस्टम हम देते हैं। इसी स्टडी मटेरियल से आप दुनिया के किसी भी देश के सिस्टम पे जा सकते हैं, ऐसी हमने ताकत इसमें दी है दोस्तों। और खुद का अपग्रेडेशन आप कैसे करेंगे, महीने में अगर आप एक दिन दे देते हैं, 3 घंटा दे देते हैं, 10 वेबसाइट रहते हैं जो हम इसमें देते हैं, बस वो वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो खुद का अपग्रेडेशन अपने आप ही होता है। और अपग्रेडेशन रेगुलर लगता है फॉर एंटेड, क्योंकि चीज़ें नवी नई बदलती रहती है, नया कोई पैन आता है, नया कोई खुलता है, नया कोई पोर्ट खुलता है, नया कोई ICD आता है, नई कोई शिपिंग कंपनी आती है, नए कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बनता है, इसलिए वी शुड बी अपग्रेडेड एवरी टाइम, इसलिए उसका भी अपग्रेडेशन का एक सिस्टम रहता है। और फिर चौथा प्रेजेंटेशन है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक सेशन टू का बता रहा हूँ मैं आपको।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, एक्सपोर्ट की एग्जैक्ट प्रोसीजर मालूम चाहिए आपको। जो भी प्रॉब्लम लफड़े होते हैं, कस्टम के केसेस बनते हैं, आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, इसलिए होते हैं। एक्सपोर्ट का परफेक्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट का परफेक्ट प्रोसीजर, इसमें पूरा इसके सीक्रेट नॉलेज के साथ बताया जाता है। मेंटेन कैसे करना है डॉक्यूमेंट्स, बेनिफिट के समय डॉक्यूमेंट की कॉपी जोड़नी पड़ती है, तो ये मेंटेन का कैसे करना, इसका मैनेजमेंट का स्टाइल, और पैसा डूबना नहीं चाहिए विदेश में, इसके लिए एक्सपोर्ट के लिए गुप्त ज्ञान, इंपोर्ट के लिए गुप्त ज्ञान बहुत अच्छा कवर होता है। हम नोट्स लिख के भी देते हैं, स्टडी मटेरियल तो परफेक्ट रहता ही रहता है, जो सामने दिखता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सामने नहीं दिखता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एक्शन प्रोसेस है, वो हम आपको लिख के देते हैं। मैनेजमेंट के लिए कितना समय देना, मार्केटिंग के लिए कितना समय देना, अपना ध्येय उद्देश्य आपके सामने कैसा लगाना, ये सब छोटे 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 पॉइंट हम लिख के देते हैं। ज़्यादा लिखा नहीं रहता, लेकिन थोड़ा रहता है, लेकिन एक्शन पॉइंट रहते हैं, क्योंकि हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाना नहीं चाहते हैं, हम आपको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तैयार करना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू क्रिएट अ एक्सलेंट एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर फॉर आवर कंट्री। आज ही ये वीडियो शूट होने के बाद मैं दूसरा वीडियो शूट करने वाला हूँ, वो क्या है मालूम है, इंडियाज पोजिशन इन एक्सपोर्ट बिजनेस, इंडिया में वर्ल्ड में इंडिया का पोजिशन एक्सपोर्ट में कितना है और उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप जरूर देखिए। खाली शायद वो यूट्यूब पे आते समय या दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते समय थोड़ा देर लगेगा, हमारे वो SEO करने वाले वो लोग थोड़ा सा प्लानिंग से डालते हैं उसको, एक दो दिन के बीच में क्या आप रखेंगे ऐसे डालेंगे, लेकिन जरूर आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रॉपर प्रोसीजर, इंपोर्ट का प्रोसीजर, एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, इसमें पूरा आगे एकदम कंपनी एस्टैब्लिशमेंट से लेके या फर्म एस्टैब्लिश करने से बैंक अकाउंट, IE कोड, RCMC, प्रीशिपमेंट इंस्पेक्शन, ये वो सब करते करते लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर तक पूरा प्रोसीजर 100% बनता है। आपको जीवन में 1 star to 5 star जाना है और ये जाते समय डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, यही फोकस ये प्रोग्राम में हमारा रहता है दोस्तों। Session 3 में क्या होता है, Session 3 में पहला प्रेजेंटेशन है ग्लोबल मार्केटिंग 4। मैंने पता है मार्केटिंग के 4 प्रेजेंटेशन रहते हैं, तो Session 1 में एक, Session 2 में दो, और Session 3 में एक ग्लोबल मार्केटिंग 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का प्रेजेंटेशन है। मार्केटिंग 2 टाइप से करते हैं, एक एंड यूजर मार्केटिंग, एक डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग। फिर मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढेंगे, टर्नओवर कैसा बढ़ेगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढिए जो 5 साल के ऊपर के एक्सपीरियंस के हैं, तो उनके रिपीट ऑर्डर भी फटाफट आता है। एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर 500 आउटलेट को माल बेचता है और वो हर एक आउटलेट 1000 लोगों तक जाता है, तो आपके एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 ऐसा पकड़ो, तो कम से कम आप 500,000 लोगों तक जा पहुंचता है एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ऐसे मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के मार्ग कौन से है, इंटरनेट एक मार्ग है, बिजनेस टू बिजनेस साइट एक मार्ग है, लेकिन वहां पे चीटर ही मिलता है, वहां पे मैच्योर लोग मिलते ही नहीं है। जिसको धंधा नहीं आता वो बिजनेस टू बिजनेस साइट पे रहता है, जिसको मालूम है धंधा कैसे करता है उनको धंधे के मार्ग भी मालूम है, और हम यहाँ पे पूरा बताते हैं। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस साइट से चीटर से बचना कैसे, अच्छे का जोड़ना कैसे, ये भी सिखाता है। और उसके बाद नंबर 2 से नंबर 7 तक टोटल 7 मार्ग सिखाते हैं हम, एक्सलेंट मार्ग। नंबर 2 से नंबर 7 तक चीटर नहीं मिलता, वो मार्ग भी सिखाता है। फिर स्टैटिस्टिक कैसे मेंटेन करना, अपनी प्रोफाइल कैसे बेचना, उनकी प्रोफाइल मंगाना कैसे, उनको ABC में क्लासिफिकेशन कैसा करना, AB को फॉलोअप कैसा करना, इनके साथ रिलेशन कैसा बनना, इनसे एडवांस पैसा कैसा मिलता है। आप नए हैं तो भी लोग एडवांस कब देंगे, कैसा देंगे, आपको लगता है मेरा लोएस्ट कोटेशन जाएगा मुझे ऑर्डर आएगा, मेरा हाइएस्ट कोटेशन जाएगा मेरे ऑर्डर आएगा, नो, आपका ना लोएस्ट कोटेशन से ऑर्डर मिलता है ना हायर कोटेशन से ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर आपको तभी मिलता है जब लोगों के दिमाग में आता है कि भारत के आप एक्सलेंट सप्लायर हो। फिर भारत के एक्सलेंट सप्लायर हो, ये लोगों के दिमाग में डालना मीन्स है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, पूरा बहुत अच्छा चलता है प्रेजेंटेशन। ये प्रेजेंटेशन होने के बाद दिमाग शांत हो जाता है, क्योंकि हर चीज का मैनेजमेंट हम करके देते हैं। यहाँ पे 3 घंटा रोज का मार्केटिंग के लिए कैसा देना, आधा आधा घंटा कौन से टाइप से देना, कैसा काम करना, बोलना कैसा, पावरफुल बात कैसा करना, पूरा ट्रेनिंग होने के बाद आपका दिमाग बहुत शांत होता है, क्योंकि आपको सक्सेस का रास्ता मिलता है। अभी वो रास्ते पे खाली चलना है, इतना ही बाकी है दोस्तों। ये हो गया तीसरे सेशन का पहला प्रेजेंटेशन। तीसरे सेशन में सेकंड प्रेजेंटेशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस में प्री शिपमेंट फाइनेंस, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, ये सब हम तो बताते ही बताए, बाकी सब फाइनेंसेस के टाइप हैं। और फाइनेंस बैंक से कब मांगना, उसके पहले बैंक से कर्जा मांगने के पहले एक दो स्टेजेस रहते हैं, वो कौन से रहता है, वो सब डिस्कस करके। जीरो से भी लोग खड़े होते हैं, तो जीरो से भी, जीरो कैपिटल से भी आप कैसे खड़े हो सकते हैं, वो सब चीजें जो है वो हम यहाँ पे बताते हैं दोस्तों आपको। उसके बाद आपका क्या चाहिए आपको? मैं इधर पर बोल रहा था जो